देखिए ये है जो आ रही है शोर करती हुई आ रही है, यह अलकनंदन अभी है और इधर से आ रही भाग रही थी है। इन्हें सास बहू का दर्जा दिया गया है। दोस्तों ये देख रहे होंगे सामने हम धारा देवी टेम्पल आ गए हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। एक थोड़ा सा ब्रेक लिया है आपको एक चीज़ दिखाने के लिए, और वो है ये देखिए, है ना गजब की वाटरफॉल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसी है अपनी एशियन फैमिली, उपकरते बहुत ही अच्छी होंगी। आज सुबह सुबह हम निकल रहे हैं, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो मौसम कितना खतरनाक हो रहा है, सामने देखो पूरी बारिश हो रही है इस टाइम। और अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा, मैंने उसमें बताया था कि हम आज निकल रहे हैं तुंगनाथ मंदिर के लिए, चोपटा में है जो, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, प्रेमनगर से आ चुके हैं, सुजल आ गया है, वंदना आ गई है, काजल आ गई है, वो भाने वाले में मार्केट में इंतजार कर रहे हैं, वहीं से उन्हें ले लेंगे, क्योंकि उधर से जाना है, वो वेट कर रहे हैं अभी थोड़ा हमारा। तो उनको बस यहाँ से हम निकल रहे हैं, कुछ बच्चों को तैयार भी करना होता है सुबह, निमित्तों को तैयार किया है, बस इन्हें यहाँ से हम भी निकल रहे हैं। मौसम आज बहुत ख़तरनाक हो रहा है और मज़ा आने वाला है, ऐसे मौसम में हम ख़तरनाक पहाड़ पर जाने वाले हैं, ट्रैकिंग करने वाले हैं, ज़बरदस्त होने वाला है। ये वीडियो भी दो भाग में डिवाइड होने वाली, एक तो आप रास्ते की दिखेंगे किस रास्ते जा रहे हैं हम, बाकी दूसरी वीडियो वहीं की दिखाएंगे आपको, तुंगनाथ मंदिर की जो ट्रैकिंग करेंगे। तो बस अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और बहुत सारा मज़ा आने वाला है, बने रहिए वीडियो में और मज़ा आएगा आपको भी, देखिए अच्छे अच्छे व्यूज दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों हम निकल गए हैं आने वाले के लिए, अभी वहाँ से उनको लेते हैं, तीनों वहीं खड़े हैं, तो बारिश हो रही वैसे भीग गए वो लोग, तो उनके लिए एक जोड़ी कपड़े रख लिए अपने, वो चेंज करेंगे वहीं पर रास्ते में। देख रहे होंगे तो भयानक बारिश हो रही है और तो साथ में गुंजन जा रही है, बस बच्चों को तैयार करके आ गए हैं, बस वो भी उनका भी टाइम होने वाला है, वो 7:30 बजे निकलेंगे, अभी आधा घंटा है। दोस्तों हमने इन्हें ले लिया है, ये देखिए पूरा भीग के आ रखे हैं, तो बस अब हम निकल गए फटाफट यहाँ से। टोटल 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, चौपदा जा रहा है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, बहुत अच्छी जगह होने वाली है वो, वैसे भी तुंगनाथ आपको पता ही चौपदा में आता है, कितने अच्छे नज़ारे होंगे, पर आज थोड़ा मौसम साथ नहीं दे रहा हमारा, देखते हैं दिन तक क्लियर हो जाए तो, क्योंकि तो काफ़ी 5-6 घंटे का रास्ता है वहाँ, क्या पता क्लियर मिल जाए मौसम, सुबह से बारिश हो रही भयंकर, वैसे रोज़ धूप निकलती है और आज ही बारिश होनी थी। चलिए कोई नहीं, ऐसे मौसम में भी हम जाएंगे। दोस्तों ये देखिए क्या मस्त मौसम आ रहा है, अभी हम ऋषिकेश से जस्ट ऊपर ही आए हैं, ये देखिए बादल कैसे एकदम नीचे आ रहे पहाड़ पे, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। बरसात में ये तो फ़ायदा होता है कि बादल एकदम नीचे आ जाते हैं, सीनिक व्यूज़ बहुत अच्छे हो जाते हैं। बस रोड थोड़ी बहुत टूटी फूटी सी दिख रही है यहाँ पर, ऐसी रोड मिलने वाली, जगह जगह थोड़े बहुत टूटे मिलेंगे रोड्स, और मज़ा आने वाला है। और कैसा रहा है तुम सबका, ये लोग भीग के बैठे हुए हैं और अभी बहुत ठंडी लग रही है, सोच रही हूँ ये कैसे चढ़ेगी इसके पैर में। हाँ बंदा के पैर में बंदा के पैर में दिक्कत हो रही है एक्चुअली, पैर में वो कुछ छाले वगैरह हो गए हैं, जूते पहनती है ना 24 घंटे, तो इस चक्कर में वो हो गया, टाइम लग रहा है उसको ठीक होने, उस समय चलने में दिक्कत हो रही है इसको, चढ़ाई कैसे करूँगी मुझे, भगवान के पास जा रही हूँ ना, भगवान बुला लेंगे अपने आप, एक ही बात है यार, दोनों में से एक काम हो जाएगा। यहाँ पे भी रोड टूटी हुई है, जाम लगा हुआ है सामने थोड़ा बहुत, छोटे छोटे पैच वगैरह लगे हुए हैं, इसी की बात कर रहा था मैं, कुछ लोग बेफालतू के हॉर्न बजाते रहेंगे, पता नहीं कहाँ की जल्दी होती है, देख रहे जाम लगा हुआ है। ये जो पीछे स्कॉर्पियो आ रही है हमारे, देख ही रहूँगा शीशे में, पार्कों को हॉर्न बजाई जा रहा है। ये देखिए पूरा मलबा नीचे आ रखा है, लैंड स्लाइड देख लो कितनी ज़्यादा भयानक लग रही है, ये देखिए कैसे पूरा पेड़ ही पेड़ों खड़े के नीचे आ रखा है, खतरनाक ही मंजर लग रहा है। देखिए कभी भी पहाड़ नीचे गिर जाएगी तो हम खतरनाक रोड से हैं, ये केदारनाथ और रोड जितना है यहाँ के पहाड़ इतने कच्चे हैं, यहाँ पे तो होती रहती है लैंडस्लाइड, आम बात है, बड़ा रिस्की एरिया है जो भी है, केदारनाथ तक के जितने पहाड़ हैं उतने इधर नहीं होते, इस साइड मसूरी साइड इस साइड जितना है, चाहे चंबा साइड जाओ उधर इतने अच्छे मतलब पहाड़ है कि मतलब बहुत कम लैंडस्लाइड्स होती हैं, पर इधर तो आए दिन सुनने में आता ही रहता है कि यहाँ लैंडस्लाइड होगी, कहाँ होगी, कभी बस पलट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, बहुत डर लगता है इधर आने में इस रूट पर।
देखिए देवप्रयाग पहुंच चुके हैं हम। इतना प्यारा शहर है, मेरा पहला टाइम है जो मैं यहाँ आया हूँ देवप्रयाग में। देख रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है, पूरा ही देवप्रयाग है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सामने संगम हो रहा है, दो अलग अलग नदी मिल रही है, इसको सास बहु नदी भी कहते हैं। आप देख रहे हो कितना प्यारा संगम है, इधर से एकदम ग्रीन ग्रीनिश टाइप का पानी आ रहा है, उधर से एकदम ब्राउन पानी है। ये देखिए ग्रीन पानी है इधर, ये सामने ब्राउन पानी है, और वो वहाँ जाके सामने मिल रहा है। ये देखिए गाइस जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था ये है वो, यहाँ के देखो सामने संगम हो रहा है इतना प्यारा। देखिए ये है जो आ रही है शोर करती हुई आ रही है, यह अलकनंदा नदी है, और इधर से आ रही भागीरथी है, यानी सास बहू का दर्जा दिया गया है। सारे देखिए गाइस कितना प्यारा है, सारा देवप्रयाग है जो आप देख रहे होंगे, पूरा ही देवप्रयाग है। तो अभी हमें और करीब 150 किलोमीटर के आसपास हमें और जाना ऊपर, दोगननाथ जो है वहाँ से 150 किलोमीटर है, अभी 150 किलोमीटर और जाना है। और यहाँ का नज़ारा देख के बहुत मज़ा आ रहा है, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ संगम लाइफ में। और इस टाइम बरसात का टाइम है, जबकि मुझे लगा था शायद दोनों पानी मिट्टी जैसा पानी होगा, पर नहीं, बरसात में भी पानी का डिफरेंस पूरा अलग दिख ही रहा होगा आपको। इधर से हरा पानी आ रहा है, उधर से एकदम ब्राउन पानी है, क्या एक खूबसूरत नज़ारा है, उतना मनमोहक नज़ारा है। तो आप जब भी आए ज़रूर आए यहाँ पे देखें संगम वगैरह, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। और नज़ारे आप देख रहे हो पीछे कितने प्यारे लग रहे हैं नज़ारे, कितने अच्छे से पहाड़ है, ऊँचे से हरे पहाड़। सर एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जहाँ से जो अलकनंदा नदी आ रही है और भागीरथी आ रही है, यहाँ से जो मेन बनती है गंगा बनती है, जो ऋषिकेश वगैरह में जाती है, यहाँ से गंगा का मतलब निर्माण होता है, नाम जो रखा गया गंगा। अब यहाँ से एक ही नदी चलेगी आगे तक जो गंगा होगी, जिसका नाम गंगा रखा गया है। तो चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है नाश्ते के लिए, हम अपना पोर्टेबल गैस लाए थे, सोचा ऐसी वादियों में, खुली वादियों में पोर्टेबल गैस लेके चलते हैं, बहुत टाइम बाद सोचे थे अब बनाएंगे। तो मैगी लेके आ रखा है, मैगी बनाने वाले हैं। देखो यहाँ सेटअप चल रहा है पूरा, यहाँ से निकाल रही है अभी सारा सामान वगैरह, और नीचे बह रही है भागीरथी नदी जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई थी, ये वाली दूसरी नदी, वो वाली दूसरी एक तरफ निकल गई है, दूसरी नदी है। और नज़ारे देखिए आप क्या मस्त लग रहे हैं, कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। तो हमारा सेटअप हो गया है, ये सिलेंडर लग रहा है छोटा सा, और यहाँ पे मैगी बनेगी अब, इसका छोटा सिलेंडर आता है ऐसे जैसे रूम फ्रेशनर वगैरह होता है उस टाइप का। और नज़ारे देखो आप कितना बढ़िया है, इतने अच्छे व्यूज़ लग रहे हैं, सामने से सनराइज़ हुआ है, थोड़े पहाड़ों के पीछे से अभी थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया है, सुबह से तो काफ़ी बारिश हो रही थी, पर यहाँ मौसम अच्छा है बहुत। गाइस मैगी रेडी है, इतनी प्यारी बनी है मैगी, ये हमारा पोर्टेबल गैस था, कितना काम आता है कभी कभी ऐसी वादियों में, हम मैगी खाने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ये मैगी है बहुत गर्म हो रही प्लेट, पर ऐसे मौसम में मज़ा आने वाला है खाने में, पर इसे फिर खाते हैं। फिर आगे हमने अभी 120 किलोमीटर और जाना है, करीब 3-3.5 घंटे का रास्ता है, फटाफट फिनिश करते हैं इसे और चलते हैं आगे। दोस्तों ये पूरी श्रीनगर की मार्केट है, इस समय हम श्रीनगर पहुंच गए, टाइम अभी हो रहा है देख ही रहो 10:30 हो रहा है, 10:35 श्रीनगर पहुंच चुके हैं। पूरी मार्केट श्रीनगर की है, अब इसका रुद्रप्रयाग आएगा। दोस्तों ये देख रहे होंगे सामने हम धारा देवी टेम्पल आ गए हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, आप देख रहे हो सामने पूरा धारा देवी है, तब प्यारा लग रहा है। और ये वही नदी आ रही जो हमने अभी नीचे संगम दिखाया था देवप्रयाग में, वही नदी अभी बह रही ऊपर से। यहाँ पे फिर कभी आएंगे मथा देखने, क्योंकि अभी हमें लेट हो रहा है, रास्ते में हमने कहा दिखा दें आपको कि मंदिर की भी काफ़ी अच्छी मतलब मानता है, बहुत जाना माना मंदिर है धारा देवी। हम नेट पर भी सर्च करेंगे, आपको दिखाई देगा। बाकी नज़ारे देखे आप कितने प्यारे लग रहे हैं, पहाड़ वगैरह। ये सामने मंदिर है एकदम फ्रंट से दिखा रहे हैं अभी आपको, और नीचे से कितनी अच्छी नदी बह रही है आप देख ही रहे होंगे। दोस्तों सामने देख रहे हो यहाँ पे पूरा रुद्रप्रयाग है, मैं भी शहर देख रहा हूँ, सारा रुद्रप्रयाग का शहर है पूरा, यहाँ तक वहाँ तक जहाँ तक नज़र जा रही है सारा रुद्रप्रयाग है पूरा। हम बाईपास निकल रहे हैं इस टाइम, ये केदारनाथ वाला रूट है जो से हम जा रहे हैं बाईपास। एक छोटा सा ब्रेक लिया है आपको एक चीज़ दिखाने के लिए, और वो है ये देखिए, है ना गजब की वाटरफॉल, इतनी प्यारी लग रही है ना, अच्छा लग रहा है। और इतनी बड़ी वाटरफॉल अभी पहले ही देखी हमने इस रास्ते में, कितना प्यारा लग रहा है। नीचे देखिए पानी कैसे जा रहा है, सिर्फ 30 किलोमीटर रह गया है यहाँ से तुंगनाथ मंदिर, तो अब करीब करीब एक घंटा लगेगा हमें पहुँचने में। वैसे भी 2 बजे का ATI दिखा रहा है, ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है, उसको भी हम 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं,
तो करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी, आपको व्यूज़ बहुत अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे तो लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तुंगनाथ वाले ब्लॉग में। टिल देन फिल्म फ्रेंड्स, बाय।